जब बड़े नेताओं का जन्मदिन आता है तो पूरे देश उसे धूमधाम से मनाता है, और जब मामला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि उनका आयोजन कैसा होगा। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का 71वां जन्मदिन धूमधाम से गुरट्टी कार्यालय पर मनाया गया। कांग्रेसियों ने पूरे जोश खरोश के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया, केक काटकर सबको खिलाया। यहां सभी ने बताया कि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसने देश को विकास के रास्ते पर लाकर दिखा दिया, और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन पूरे देश के सभी कांग्रेसियों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। क्या नाम है? डॉक्टर अरुण प्रकाश सिंह, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद। क्या क्या कार्यक्रम किया गया आज? आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर हमारे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिन केक काट कर सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें हमारे जनपद के सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन, सेवादल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस से लेकर पूर्व विधायक माननीय फूल कुंवर जी सहित सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन मौजूद हैं। और इस अवसर पर हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी किसानों, अल्पसंख्यकों, मजलूमों, नौजवानों के रोजगार के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, उसी कड़ी में हम लोग भी उनसे जुड़ते हुए जनपद स्तर पर हर बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करके आने वाले 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सफलता दिलाएंगे। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने नगरीय निकाय चुनाव में जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी उससे अलग हटते हुए हम लोगों ने दूसरा स्थान अर्जित किया है, और नगर पालिकाओं में भगवानपुर नगर पालिका चुनाव जीती है। इसके साथ साथ एक ढगिया की चुनाव तो केवल 24 वोट से हम हारे हैं, तो इस तरीके से मुरादाबाद ने बहुत एक मतलब जो है अच्छी सफलता अर्जित की है। मैं अपने सभी कांग्रेसजनों को, भाइयों को उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद देता हूं, और आप उनसे आशा करता हूं कि वो इसी तरीके से पार्टी को और माननीय राहुल गांधी जी को, माननीय सोनिया गांधी जी को अपना योगदान देते रहें।